तो गाइस यार आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली है। क्योंकि गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम डेड सी बनाएंगे, यानी कि मृत सागर। सुनने में काफी डरावना लगता है ना, लेकिन गाइस रियलिटी के अंदर ये चीज उतनी डरावनी नहीं होती है, बल्कि ये तो बहुत ही कमाल की चीज होती है। तो गाइस यार हो सकता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता ना हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस यार दुनिया के अंदर कुछ ऐसे समुद्र भी होते हैं जिनके पानी के अंदर जो नमक की मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से, नमक ज्यादा होने की वजह से, वो जो पानी होता है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से अगर उसके अंदर कोई आदमी कूदता है और उसे तैरना ना भी आता हो तो भी उसके अंदर नहीं डूबता है। उसका उल्टा, अगर वो चाहे कि मैं खुद इसके अंदर डूब जाऊं जबरदस्ती, तो भी वो उसके अंदर नहीं डूबेगा, बल्कि उसी के अंदर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। तो गाइस यार हम लोग जो है वहां पर तो नहीं जा सकते क्योंकि ऐसी चीजें काफी रेयर होती है, लेकिन हम उस चीज को घर पे छोटे लेवल पे ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक छोटा सा आर्टिफिशियल डेड सी, जिसे देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस यार पूरे दिन की मेहनत के बाद हमारा जो आर्टिफिशियल डेड सी है वो आधा बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस यार नॉर्मल जो पानी होता है, आप देख सकते हैं कि अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो नॉर्मल पानी होता है बिल्कुल वैसा है। और अगर इसके अंदर अपन कूदते हैं तो हम उस तरीके से फ्लोट, यानी कि उस तरीके से तैरेंगे नहीं जैसा कि डेड सी के अंदर होता है। अभी देखना वो, तो गाइस देखा आपने, मुझे तो तैरना आता है, बाकी आप देख सकते हैं कि जो मेरा शरीर है वो पानी के अंदर है, मैं पानी के ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गाइस ये वहीं पर जब ये डेड सी बन जाएगा तो मुझे इसके अंदर तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं इसके ऊपर ऐसे ही फ्लोट करूँगा, भले ही मुझे तैरना आए या फिर नहीं आए। तो गाइस यार डेड सी बनाने के लिए हमें इस पानी के अंदर जो नमक है उसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ानी होगी, और गाइस इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर पूरा 1000 किलो नमक। गाइस अब आप सोच सकते हैं कि इतना नमक हम इसके अंदर मिलाएंगे तब जाके इसकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हो जाएगी और वो हमारे शरीर को इसके अंदर तैरने के लिए अलाउ करेगी। तो गाइस यार अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज है किस तरीके से काम करती है। तो गाइस डेड सी के फंडे को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गाइस यार हमारे पास यहाँ पर है एक आलू, एक पटेटो और नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, और अगर मैं इस पटेटो को इस नॉर्मल पानी के अंदर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पटेटो है वो पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन गाइस यार वहीं अगर मैं इस पानी के अंदर नमक मिला के इस पानी की डेंसिटी को बढ़ा दूँ, फिर देखना क्या होता है। ऑलराइट गाइस, अब जो है इस आलू को इस पानी के अंदर डाल के देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पटेटो है अब इस वाटर के अंदर तैर रहा है। तो गाइस आया कुछ समझ में? तो गाइस ठीक इसी तरीके से डेड सी भी काम करता है, क्योंकि डेड सी के अंदर जो सॉल्ट होता है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से ह्यूमन बॉडी उसके अंदर डूबने की बजाय
फ्लोट करती है। लेकिन गाइस डेड सी की एक बुरी बात यह है कि वो सच में डेड सी होता है, उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसके अंदर कीड़े मकोड़े या फिर कुछ भी नहीं होता है, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए उसे डेड सी या फिर मृत सागर कहा जाता है। तो गाइस देखा आपने, छोटे लेवल पर तो ये जो चीज है काफी अच्छे से काम करती है। अब बारी है बड़े की, मिलाते हैं इस सारे नमक को इसके अंदर और फिर देखते हैं कि हमारे जो नॉर्मल सी है, सी ही बोलेंगे यार, डेड सी बनता है या फिर नहीं। ये बहुत सारा है यार, और इसके साथ साथ जो मौसम है वो भी काफी ज्यादा बिगड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, आंधी भी चल रही है। तो यार मुझे लगा था कि हमें पूरे 1000 किलो सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं कि जो पानी का कलर है वो कैसा हो गया, बिल्कुल समुंदर से भी काफी ज्यादा देखने में पता पड़ रहा है कि ये पानी कितना ज्यादा डेंस होगा। और हमने यहाँ पर 500 किलो नहीं खोला, सिर्फ 500 किलो ही सॉल्ट डाला है। अब टेस्ट करके देखते हैं कि हम इसके अंदर डूबेंगे या फिर नहीं, वही तरीका आलू वाला। तो पहले क्या करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये नॉर्मल पानी है जो कि हमने कुएं से निकाला है उधर वाले से, इसके अंदर आलू डाल के देखते हैं कि आलू जो है वो डूबता है या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो आलू है वो पानी के अंदर डूब गया। अब जो है इसी सेम चीज को इस डेड सी वाले पानी के साथ में ट्राई करते हैं ना। ऑलराइट गाइस, अब इसके अंदर डाल के देखते हैं, अगर आलू तैर गया तो हम भी तैर जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि इस डेड सी वाले पानी के अंदर जो हमारा आलू है वो अच्छे से तैर रहा है। तो चलो अब जो है खुद इसके अंदर कूद के देखते हैं, लेकिन उससे पहले सेफ्टी फर्स्ट। एक चीज आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा नमकीन पानी है, आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, कान के अंदर नहीं जाना चाहिए, मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसके अंदर है तो मुंह आपका बंद ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम इन आई गॉगल्स और पूरी सेफ्टी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें इससे कोई भी दिक्कत ना हो। यस जी, और ये लगा देते हैं कानों के लिए, तू भी लगा ले, वो तो पहले से ही तैयार बेटा, पूरी सेफ्टी के साथ में देखो उसको। नोज के लिए भी अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, अब इसके अंदर कूद के देखते हैं, फेंक दे। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यकीन नहीं होगा लेकिन मैं जमीन से बिल्कुल भी टच नहीं हूँ, अपने हाथ भी नहीं हिला रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी पानी के अंदर फ्लोट कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है कि आप सीधे रहने की कोशिश करते हैं, थोड़ा भी तिरछा हो जाता है आप गुलाटी मार जाते हैं और आपका मुंह अंदर जाता है, इसीलिए आपको बिल्कुल सीधा रहना होता है ऐसे इसी चीज के अंदर। एक बार ट्राई करते हैं, सच में काफी मजेदार है यार, मेहनत का फल मिल गया। अरे यार मुंह होठों पे खारा पानी लग गया, बहुत ज्यादा खारा है। ऑलराइट गाइस, तो यार आप देख सकते हैं कि वैसे नॉर्मली जब अपन तैरते हैं ना तो अपन जो है हाथ पैर चलाने पड़ते हैं और अपन बात नहीं कर सकते क्योंकि साथ साथ है ना सांस भी लेनी पड़ती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस डेड सी के अंदर मैं बात भी कर पा रहा हूँ और मैं हाथ पैर भी नहीं हिला रहा हूँ, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपको भी तैरना नहीं आता है तो आप डेड सी के अंदर नहीं डूबोगे, जैसे कि मैं नहीं डूब रहा हूँ। ये We'll be right back.
इस चीज को ट्राई करते करते और आखिर में ये चीज सफलतापूर्वक काम कर गई। और ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसा कि डेड सी के अंदर आता होगा। सच के अंदर यार बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है इसके अंदर तैरने के लिए। तैरना नहीं भी आता है तो भी आप इसके अंदर फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। तो आई होप यार ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। लेकिन एक चीज़ जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खारा पानी है। इसकी ज़्यादा मात्रा अगर शरीर के अंदर चली जाए तो वो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सिस्टम है उसे भी बिगाड़ सकती है और इससे मौत भी हो सकती है। इसीलिए डोंट ट्राई। हम भी इसके अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, लेकिन जितनी देर भी रहे मज़ा आ गया यार। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए जिंदा ही, हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऑलराइट गाइस, तो यार ये है बिहाइंड द सीन्स। डेड सी के अंदर नहाने के बाद साफ पानी के अंदर नहाना भी जरूरी है, इसके लिए हम इस कुएं में कूदेंगे। तैयार है? तो नहीं आता, ये तो डेट से भी ना सकता। सही है क्या? मैं पीस से नाऊंगा यार।